आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो पहला बच्चों फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स। इसका हमें डोमेन बताना और क्या बताना बच्चों, रेंज बताना बच्चों। अब इस फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज बताएंगे कैसे, देखिए बच्चों। डोमेन और रेंज बताने के लिए हम लोग को दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो कभी भी अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू ना रखे से अपॉन में जीरो आ जाए। और सेकेंड चीज़, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए बच्चों। माइनस अगर आ गया बच्चों तो वो जो रियल नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये दो चीज़ों को खास ध्यान रखना बच्चों कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने जैसे एक फंक्शन लिखा 1/(x+1), तो ये डिनोमिनेटर में अगर हम रखें -1, x की जगह -1 रखें, तो -1 और +1 क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर -1 के इक्वल नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि अगर 1/0 हो गया तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा इनफिनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड बच्चों कोई फंक्शन रियल नंबर नहीं होता है बच्चों, इसीलिए। और अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो ये इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आगे एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, तो रियल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए बच्चों इनको लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बच्चों खास ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या अंडर रूट लगा है क्या बच्चों, नहीं लगा है। क्या अपॉन में लिखा है, नहीं लिखा है। तो डोमेन जो हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ एफ एक्स जो हो जाएगा वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर अर्थात ये तो हम लोग लिखते हैं माइनस इनफिनाइट से लेके बच्चों प्लस इनफिनाइट। ये बच्चों ओपन इंटरवल है। एक क्लास में इस दिन बच्चों लेने वाला हूँ कि ओपन और क्लोज, आपको बता दूँ कि ओपन और क्लोज, जबकि बता चुका हूँ मैं इससे पहले क्लास में, सेट के जो क्लास पढ़ाई थी उसमें ओपन और क्लोज अच्छे समझाया है, है ना। इससे पहले वीडियो पढ़ी है बच्चों सेट में, तो जाके देख सकते हैं ओपन क्लोज क्या होता है बच्चों। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ एफ एक्स। रेंज का मतलब होता है बच्चों ये इसका आंसर क्या क्या आ सकता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स लिखा है, तो इसके आंसर क्या क्या आ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करेंगे, तो मॉड के अंदर ये खासियत होती है कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर आप रखिए, कोई भी नंबर के, जैसे -2 रखा तो +2 कर देगा, +2 रखा तो वो प्लस में ही करेगा। मतलब मॉड का मतलब होता है किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देना, ठीक है। कोई भी नंबर हो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा बच्चों। तो इसका आंसर जो आएगा हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन बाहर क्या लगा दिया इन्होंने, माइनस लगा दिया बाहर बच्चों, देखिए बाहर। अगर अंदर लगा हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता माइनस एक्स, तो यहाँ सिंपल एक्स मानते हैं इसको बच्चों, लेकिन वो माइनस जो है बाहर लगा है। तो बाहर लगा तो अर्थात इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा भाई। इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो सारे आंसर क्या आएंगे बच्चों, माइनस में आएंगे। अगर हम लोग जीरो रखें तो जीरो पे आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब कि जीरो से हम लोग घट रहे, जीरो से लगातार बच्चों घटते जाएंगे और कहां जाएंगे बच्चों, माइनस इन्फिनाइट तक। जीरो से लेके कहां तक बच्चों, माइनस इन्फिनाइट, क्योंकि सभी आंसर क्या आ रहे हैं बच्चों, माइनस में आ रहे हैं। अगर ये मॉड, अगर ये माइनस ना लगा होता बाई चांस, तो इसका आंसर होता जीरो, और जीरो पे क्लोज लगेगा बच्चों, और जीरो से लेके प्लस इनफिनाइट, ठीक है। ये जीरो बच्चों बिलोंग कर रहा है इसीलिए क्लोज लगेगा, इनफिनाइट कभी बिलोंग नहीं करता, तो उस पर क्या लगता है, ओपन लगता है बच्चों, ठीक है। इनफिनाइट पे हमेशा ही ओपन लगेगा बच्चों। तो अगर माइनस नहीं लगा होता तो क्या आंसर होता है, जीरो से लेके प्लस इनफिनाइट, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए माइनस इनफिनाइट से लेके जीरो, ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज। इसी का बच्चों सेकेंड नंबर देख लीजिए बच्चों, सेकेंड नंबर इसका बच्चों बोल रहा है क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर लिखा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9-x², ठीक है। समझिए बच्चों, मैंने क्या बताया था कि पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि अंडर रूट के अंदर माइनस और अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अंडर रूट लगा है तो शायद माइनस में आंसर आ सकता है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे ये कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो 9-x² = 0 करिए, तो -x² = -9, x² = 9, तो x = क्या आंसर आया, +9
3, ओके बच्चों, प्लस माइनस 3 आया बच्चों, प्लस 3 माइनस 3 समझ आया, 9 का रूट 3 होता है लेकिन स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। अब इसको नंबर लैंड बना लीजिए आप लोग, यहाँ पे माइनस 3 पर रहेगा फिर बाद में क्या आएगा प्लस 3, इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिट रियल नंबर पे, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिट। जैसे मैं पूछूं आपसे माइनस 3 से पहले क्या आता है, माइनस 3 से पहले क्या आता है, माइनस 4 आता है, माइनस 5 आता है, माइनस 6 आता है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी एक नंबर, मान लीजिए मैं माइनस 4 ले लिया और माइनस 4 यहाँ रखा, 9 माइनस और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 होता है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, 9 माइनस 16 हो जाएगा और 69 जाएगा बच्चों, कितना आंसर आएगा माइनस, तो ये निगेटिव हो रहा है बच्चों, हो रहा निगेटिव। माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, यहाँ माइनस 2 पड़ेगा, माइनस 1 पड़ेगा, 0 पड़ेगा, कोई भी नंबर आप लेके चेक कर लीजिए, यहाँ पे रखिए, जैसे मान लो 0 ले लिए तो 9 माइनस 0 तो आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा बच्चों, क्या आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आंसर क्या आएगा प्लस में, और प्लस 3 से बड़ा लेंगे बच्चों तो भी आंसर क्या आएगा बच्चों निगेटिव। और मैंने क्या कहा था आपसे कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना बच्चों, तो फिर इसके डोमेन की बात करते तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन की बात करें तो कहां पे, जहां पे पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव यहां से यहां तक आ रहा है बच्चों, कहां से कहां तक, माइनस 3 से लेके प्लस 3। बात करते हैं इंटरवल की, मतलब कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज की ओपन, तो माइनस 3 रखने पे कितना आंसर आ रहा है बच्चों 0, प्लस 3 रखने पे क्या आ रहा है 0, तो 0 ये करता है बच्चों, माइनस के नंबर नहीं लेगा, 0 बच्चों यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो इस पे क्या लगेगा क्लोज। अगर बाई चांस अगर ये अपॉन में लिखा होता 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एच स्क्वायर तो फिर ये 0 नहीं लेता बच्चों, क्योंकि अपॉन में लिखा तो अपॉन में 0 नहीं हो सकता था, तो फिर इंटरवल कौन सा लगाते हैं, ओपन लगाते हैं, क्योंकि ओपन में वो चीज बिलोंग नहीं करती है, क्लोज में मतलब ये बिलोंग कर रहा है माइनस 3 से प्लस 3 तक है, और जब ओपन लेते तो माइनस 3 बिटवीन प्लस 3, मतलब माइनस 3 से प्लस 3 के बीच ये नंबर लेते हैं बच्चों, ओके। लेकिन अभी क्लोज लगाया क्योंकि यहाँ पे 0 चल जाएगा बच्चों, यहां पर 0 बच्चों नहीं चल पाता, तो यहां पर जब ये केस होता तो ओपन इंटरवल लगा देते, राइट है। चलते हैं इसके रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि अंडर रूट के अंदर माइनस में आंसर नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है, माइनस के आंसर नहीं आएंगे, हमेशा आंसर क्या आएंगे प्लस के आंसर आएंगे। तो प्लस में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 0 होता है, प्लस में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 0, तो यहां पर 0 आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब समझिए बच्चों, क्योंकि सभी ये जो स्क्वायर लगा है तो ये क्या कर देगा, हमेशा पॉजिटिव कर देगा, जैसे आप कोई भी नंबर रखेंगे यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तब 1 कर देगा, 1 रखेंगे तब भी 1, क्योंकि माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में रखना है, तो माइनस 3 और प्लस 3 के बीच में सोच रहे हैं कि ऐसा नंबर रखें जो सबसे छोटा हो, क्योंकि जब सबसे छोटा होगा तो सबसे बड़ा आंसर आएगा, जैसे हमने अभी 3 रखा, 3 जा 9 तो 9 में कितना आंसर आया 0, अब सबसे छोटा नंबर माइनस 2 माइनस 3 भी होता है लेकिन माइनस 3 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा, तो हम लोग क्या रखेंगे 0, बीच में पड़ेगा बच्चों 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 0, 9 में 0 जाएगा बच्चों क्या बचेगा 9, और 9 का रूट क्या जाएगा बच्चों 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों कहां से कहां तक, कि 0 से लेकर क्या आंसर आ सकता है बच्चों 3, समझाए बच्चों बोलो, 0 से लेके 3 बच्चों, नहीं समझाए बच्चों बोलो क्या, 0 से लेके 3 क्या हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा, समझिए एक बार फिर से ढंग से समझिए बच्चों, कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसके आंसर क्या आएंगे, हमेशा पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव आएंगे तो भाई हमने सोचा पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 0 होता, तो 0 तो करेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बात फंसती है कि जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसा नंबर रखें जो सबसे बड़ा बचे, कि हमने देना हाईएस्ट कहाँ जाएगा, तो हमने दे रहे स्क्वायर लगाया तो 0 रखें, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 0, इससे छोटा नंबर, क्योंकि माइनस 1 रखोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 रखो तो 1 हो जाएगा, तो 0 रखने पे कितना है 9 माइनस 0 मतलब कि 9 आ गया, और 9 का रूट क्या होता है बच्चों 3, तो रेंज क्या हो गया 0 से लेके 3, ठीक है। चेक कर लेते इसका आंसर, तो इसका आंसर आ रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स जो है माइनस 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू, बात वही है माइनस 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू और प्लस 3 से लेस देन इक्वल टू, और रेंज जो आ रहा है 0 से बड़ा इक्वल टू 3 से छोटा और इक्वल टू, सही है बच्चों आंसर बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गए सभी बच्चों को यहाँ पे, ओके बच्चों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, हम लोग यहाँ पे बच्चों अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा तो बता देना बच्चों कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको दोबारा जब नेक्स्ट क्लास लूँगा
तो उसको दोबारा बता दूंगा फिर से, ठीक है। जहां तक मैंने उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ गया तो हम अपने मन से एक क्वेश्चन लेके आपको कर देख के दिखा देते। देखिए जो जैसे हमने एक इसी टाइप में क्वेश्चन ले लेते, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 25 - x2, इसी टाइप में क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप में एक क्वेश्चन ले लिया मैंने अपने मन से ये, तो क्या करेंगे, तो चेक करेंगे जीरो कहाँ पर, 25 - x2 = 0, तो दैट मीन्स x2 = क्या हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, +-5। नंबर लाइन खींच लेंगे बच्चों, -5 + 5, और ये इनफिनाइट माइनस का, ये प्लस का इनफिनाइट, यहाँ रखेंगे तो जी माइनस का आंसर आएगा, प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आया, -5 से पहले कुछ भी ले लीजिए 6, तो 30 - 6 = 36, माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में, तो डोमेन आपको जहाँ तक आ गया होगा बच्चों, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, -5 में क्लोज लगेगा और +5 पे भी क्या लगेगा, क्लोज। रेंज, रेंज की बात कर दे बच्चों, तो रेंज क्या होगा, रेंज जो आंसर आता है सबसे छोटा आंसर पॉजिटिव, क्योंकि सभी आंसर पॉजिटिव आएंगे, तो 5 रखेंगे तो 25, 5 का सब कितना 25 20 आएगा कितना बचेगा, 0, सबसे आंसर छोटा क्या होगा, 0। अब 0 रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में छोटा नंबर 0 ही बनेगा, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 25 में 0 क्या, तो 25 बचेगा, और 25 का रूट क्या होता है बच्चों, 5। तो ये समझ में आ गया सही बच्चों को, 0 से लेके 5, ठीक है। इसको आप डोमेन को इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इन्होंने आंसर शीट में ऐसे लिखा एक्स सच दैट, हाँ कि -5 से ग्रेटर देन इक्वल टू और +5 से लेस देन इक्वल टू। रेंज लिखना है तो एक्स रेंज लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स सच दैट 0 से बड़ा या इक्वल टू लेकिन 5 से छोटा और इक्वल टू, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं, ऐसा नहीं कि एक तरीका गलत है एक तरीका सही है, ऐसा नहीं है, दोनों ही तरीके आपके लिए सही हैं। अभी भी अगर बाई चांस आपको नहीं आया समझ में, तो आप अपने मन से लगाने का प्रयास करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं लग पा रहा है डोमेन और रेंज निकालने का, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे बच्चों, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अ फंक्शन डिफाइंड बाय, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, ये बच्चों सिंपल है क्वेश्चन, f0, f7, f-3, ये तो बच्चों बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। f0 निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 2 × 0 - 5, 2 × 0 करेंगे 0 - 5, 0 में 5 जाएगा कितना बचेगा, -5। f7 तो 2 × 7 - 5, 2 × 7 = 14 - 5, 14 × 5 क्या 9। f-3 तो 2 × -3 - 5, -6 - 5, माइनस का 11 हो गया बच्चों, 2 × 3 = 6 - 6 और -5 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। बस आपको x की जगह ये वैल्यू को पुट कर देना है बच्चों, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना, जैसे f0 तो 0 पुट कर दिया, f7 तो 7 पुट कर दिया, f-3 तो -3, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, रफ कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन अ डिग्री फॉरनेट इज डिफाइंड बाय TC = क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, TC = 9C/5+32, ठीक है बच्चों। लिखा है फाइंड T0 फाइंड करना है, T28 फाइंड करना है, T-10 फाइंड करना है, ऑफ द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज गिवन = 212। देख लीजिए बच्चों ये भी क्वेश्चन सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है बस आपको, T0 पुट करिए, जहां पे C है वहां पे क्या पुट कर दें, 0, तो 9 × 0/5+32। तो भाई 0 का इंटू किसी भी नंबर में 0 कर देगा और डिवाइड भी 0 कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ओनली 32। अब 28 तो 9 × 28 = 28/5+32, 9 × 8 = 72, कहीं लगा 7, 9 × 2 = 18, 18 और 7
25 अपॉन में 5 प्लस का 32, ठीक है। 5 का डिवाइड करते हैं 5 हो जाए 25, 2 में डिवाइड जाए 0, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जाए 20 प्लस का 32, तो ऐड करेंगे तो 2 और 0 2 हो जाएगा 0.4 ऐसे लिखा जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 82.4, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, t माइनस 10 तो 9 इंटू माइनस 10 अपॉन में 5 प्लस 32, तो 5 2 जा 10, तो 9 प्लस कितना जाएगा बच्चों माइनस का 18 प्लस का 32, कितना बचेगा 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा 14, ठीक है। अब TC इक्वल टू आपको 212 दे रखा है, TC के वैल्यू दे रखी C निकालना है, तो 212 यहां पे रख देंगे बच्चों, और यहां पे 9C अपॉन में 5 प्लस का 32, इधर भेज दीजिए 212 माइनस 32 इक्वल टू 9C अपॉन में 5, 0 11 में 3 क्या है 11 में 3 क्या 8, 9C अपॉन 5 वो 180 इंटू 5 अपॉन में 9 इक्वल टू सी, 9 टू जा 18, 25 जा 100, मतलब सी कितना होगा बच्चों 100 होगा, तब क्या आएगी बच्चों वैल्यू 212 आएगी, ठीक है। इसमें आया 32 उधर भेजा माइनस का हो गया बच्चों, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया 180 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 5 से ऊपर भेजा 9 को नीचे भेज दिया, 9 टू जा 18, 25 जा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ आ गई थी बच्चों को, बहुत ही सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे, ओके। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं बच्चों। लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हमें रेंज मालूम करना है, लेकिन हम डोमेन भी निकाल देंगे, ठीक है, डोमेन एंड रेंज दोनों निकाल देंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों फिफ्थ के फर्स्ट में, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स क्या है बच्चों 0 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे लिख दिया उन्होंने x पहले से क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो डोमेन मालूम चल गया, डोमेन मालूम चल गया 0 से बड़ा, मतलब 0 से लेके, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन वैसे वैसे देखा जाए, वैसे डोमेन देखा जाए तो सभी रियल नंबर है, क्योंकि ना तो यहाँ पे अंडर रूट लगा है ना तो यहाँ पे अपॉन में लिखा है, तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि x 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो 0 से लेके प्लस इनफिनिट तक हो जाएगा, डोमेन की बात करें अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। अगर ये नहीं लिखा होता तो सब कुछ होते बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कहां से कहां तक माइनस इनफिनिट से लेके प्लस इनफिनिट। अब बात करते हैं इसके रेंज की, रेंज की बात करें बच्चों तो रेंज मतलब क्या क्या आंसर आ सकते हैं। जैसे हम एक आपको आइडिया दे, जैसे 0 से बड़े नंबर से 1 रखा है, एक मिनट समझिए बच्चों, 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 1, 2 रखेंगे 3 2 जा 6 माइनस में आएगा। जो भी आप रखते जाएंगे 0 जस्ट बड़ा, आप जस्ट बड़ा मतलब 0.1 रख दिया आपने बाई चांस, तब भी रखेंगे तो 2 माइनस का 3 इंटू 0.1 तो 2 माइनस सॉरी 1 लिखा तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। 2 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 2 से माइनस करेंगे तो मतलब प्लस में आंसर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ आंसर प्लस में भी आ सकता है, लेकिन आंसर जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 2 से छोटा आएगा, 2 से छोटा आएगा, 2 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे x की जगह वैल्यू ही पुट करना है 0 से बड़ी। जब आप x की जगह 0 से बड़ा पुट करेंगे ना तो भाई सिंपल सी बात है कि जब सब्ट्रैक्ट होगा 2 से तो आंसर जो है क्या आएगा, या तो 2 मतलब 2 नहीं आ सकता, 2 से जस्ट छोटा। अब जस्ट छोटा कितना हो सकता पता नहीं सकते हैं। तो अब इसकी रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज जो हो जाएगा बच्चों बताइए क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 से लेके, मतलब 2 पे ओपन लगेगी, 2 आंसर नहीं आएगा, 2 से जस्ट छोटा आएगा, और जस्ट छोटा मालूम नहीं होता है तो 2 से लेके बच्चों कहां तक बच्चों आएगा प्लस इनफिनिट तक। समझ में आ गया सही बच्चों को, बोले बच्चों भाई 2 से छोटा आएगा नंबर, अब 2 से कितना छोटा आएगा पता नहीं हम लोग को, तो यहाँ लिखिए 2 और 2 पे क्या लगाइए ओपन, ओपन का मतलब 2 नहीं है, 2 से जस्ट बाद वाला, और 2 से जस्ट बाद हम लोग को नहीं मालूम होता है भाई, जो भी नंबर हो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होगा 2 से लेके प्लस इनफिनाइट तक, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू 2x2 प्लस 2, x इज अ रियल नंबर। अब यहां पे लिखा है x इज अ रियल नंबर,
x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन आप लोग क्या बता सकते हैं इसका, क्या अंडर लगा है बच्चों, क्या अपॉन में लिखा है, नहीं लिखा, तो बस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी दो चीज़ें चेक कर लीजिए, अंडर रूट नहीं लगा है, नहीं लगा है, अपॉन में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो लगा दी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसको आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर। बात करते हैं रेंज, रेंज का मतलब होता है कि इसका आंसर क्या क्या होता है। भाई स्क्वायर लगा तो ये कभी निगेटिव नहीं आने देगा, हमेशा पॉजिटिव 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 आंसर आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा सबसे छोटा पॉजिटिव में नंबर क्या होता है, जीरो होता है, होता है जीरो से छोटा कोई नहीं होता पॉजिटिव में, तो जीरो रखेंगे जीरो आएगा, तो जीरो प्लस टू कितना होता है टू, तो मतलब सबसे छोटा नंबर जो रेंज में आएगा टू आएगा, और फिर टू से लेके आगे बढ़ता रहेगा टू से लेके प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, टू से लेके कहाँ तक बच्चों, प्लस इन्फिनाइट तक, समझाया बच्चों, तो इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, टू से लेके कहाँ तक बच्चों, प्लस इन्फिनाइट, समझाया बच्चों। भाई सबसे छोटा नंबर स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के सभी आंसर प्लस में होते हैं, तो प्लस में सबसे छोटा आंसर कौन सा, जीरो, तो जीरो रखने पे कितना आ रहा है, टू आ रहा है, तो टू से बस बड़े नंबर आएंगे, टू से लेके कहाँ तक बच्चों, प्लस इन्फिनाइट, क्योंकि टू के बाद बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, तो इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा, टू से लेके इन्फिनाइट। अब इसी का थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रेंज आपका हो जाएगा बस क्या, रियल नंबर, कोई भी नंबर रखोगे भैया आंसर आएगा, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया बच्चों, अब बचा है बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में करा देंगे बच्चों, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है।